नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान द नॉलेज में। दोस्तों 10 जुलाई से 7 अगस्त तक भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना है और देवों के देव महादेव को भोलेनाथ सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे सचमुच में इतने भोले हैं कि जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा में तो इस्तेमाल होती हैं लेकिन भगवान शिव पूजा में उनका प्रयोग यानी इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। और आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा में किन वस्तुओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहला है, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजा के लगभग सभी कार्यों में शंख का प्रयोग होता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना वर्जित है। दूसरा है तुलसी। दोस्तों तुलसी भी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन तुलसी को भगवान शिव पर चढ़ाना मना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है और वे भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से उनकी पूजा पूर्ण नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको फिर पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। तीसरा है, ऐसे कई धार्मिक कार्य हैं जिसे हल्दी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता, लेकिन भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी स्त्री सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग की जाती है और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषतत्व का प्रतीक है। चौथा है, लाल रंग के फूल। दोस्तों भोलेनाथ को लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाए जाते, साथ ही केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाना भी मना है। भगवान शिव को सफेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, इससे वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों पांचवा है, भगवान भोलेनाथ पर हमेशा पीतल, कांसे और अष्ट धातु से बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं चढ़ाना चाहिए। छठा है, शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीज़ें निर्मल होनी चाहिए, यानी जिसका सेवन ना किया जाए। सातवां है, सिंदूर। दोस्तों सिंदूर या कुमकुम महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। भगवान शिव विध्वंसक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता बल्कि चंदन से उनकी पूजा होती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी विशेष जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान द नॉलेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।